गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अब आगे बढ़ने वाले हैं और एक नया ऑप्टिकल फेनोमेना, एक नई प्रकाशीय घटना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज में देखा था रिफ्लेक्शन और उसके कारण होने वाले जो फेनोमेना थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। रिफ्लेक्शन कब होता था आपको याद होगा, जब लाइट किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होती थी और उसको पार नहीं कर पाती थी तो उसे रिफ्लेक्शन होता था। अब एक और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था लाइट जिससे पार हो जाती है, जिसको हम लोगों ने कहा था ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ता है तो क्या होगा, तो वह आगे जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल को तो लाइट पार कर सकता है। तो जब वह आगे जाएगा तो उसके साथ जो फेनोमेना होगा उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहां उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए हम लोगों ने एक दूसरा नाम यूज किया है। आज उस मटेरियल को हम लोग नाम देंगे ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि हमने बताया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही हमने नाम दिया है ऑप्टिकल मीडियम, मतलब ऑप्टिकल मीडियम वैसे सब्सटेंसेज हुए, वैसे मटेरियल हुए जिनसे कि लाइट पार कर सकता है। वैसे मटेरियल एयर, ग्लास, वाटर, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनसे लाइट पार कर सकता है, उन्हीं का नाम दिया जाता है ऑप्टिकल मीडियम। इस ऑप्टिकल मीडियम को बाबू दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ऑप्टिकल मीडियम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और दूसरा पार्ट कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। बाबू अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की, नाम इंडिकेट कर रहा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसको डेंसर कहेंगे। डेंसर डेंसिटी से बना हुआ यह वर्ड है, एडजेक्टिव बनाया गया है ईआर लगा करके, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। नाम तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, लेकिन एकाध जगहों पर यह एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाता है। इसलिए अगर हम ये डेफिनेशन दें कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसको डेंसर और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उसको रेयरर कहेंगे, उस कंडीशन में, उस डेफिनेशन में एक आध एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहां पर यह डेफिनेशन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेरिजन करें ईथर की और एल्कोहल की, तो ईथर एल्कोहल से ज्यादा डेंसर होता है, लेकिन लाइट के लिए ईथर रेयरर मीडियम है और एल्कोहल डेंसर मीडियम है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो फिर जब हम ज्यादा डेंसिटी वाले को डेंसर और कम डेंसिटी वाले को रेयरर नहीं कर सकते, चलिए हमने एक बात तो समझाया, मैक्सिमम जगहों पर यह बात सही रहेगी, जिस मीडियम की डेंसिटी हायर हो और जिस मीडियम की डेंसिटी लोअर हो, जिस मीडियम की डेंसिटी हायर हो गई वो डेंसर, जिसका लोअर डेंसिटी हो गया वो रेयरर मीडियम हो गया। वो कुछ एग्जांपल्स में जैसे हम यहां लिख सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे हमारा ईथर, और यहां एक्सेप्शन के फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ लेना है, एक्सेप्शन यहां ईथर के केस में डेंसिटी हायर है लेकिन वो रेयरर मीडियम है, एल्कोहल डेंसिटी लोअर है लेकिन वो डेंसर मीडियम है, तब किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लीजिए हम सड़क पे चल रहे होते हैं और डेंसिटी ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो मतलब सड़क पे भीड़ ज्यादा हो, तो हमारी आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। तो अब इस दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट का स्पीड जो होता है, लाइट मूव्स स्लोअर,
वैसा मीडियम जिसमें लाइट स्लो चले उसको डेंसर मीडियम कहेंगे, और वैसा मीडियम जिसमें लाइट मूव्स फास्टर उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। द ऑप्टिकल मीडियम हैविंग इन विच लाइट मूव्स स्लोअर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, एंड द ऑप्टिकल मीडियम इन विच लाइट मूव्स फास्टर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, फास्टर और रेयरर दीज आर कंपेरेटिव वर्ड्स, ये कंपेरिजन के वर्ड है। मतलब एक मीडियम डेंसर है या कि रेयरर है ये इंडिपेंडेंटली नहीं बताया जा सकता है, जब बताया जाएगा तो किसी दूसरे मीडियम के साथ डिस्क्रिप्शन कंपैरिजन करते हुए बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडियम हो गया जिसमें एक ग्लास है और दूसरा वाटर है, दूसरा पेयर ले लिया हमने जिसमें एक एयर है और दूसरा वाटर है। पहले एग्जाम्पल में ग्लास और वाटर वाले एग्जाम्पल में वाटर हो गया रेयरर मीडियम और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में वाटर हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयरर मीडियम। आपने देखा एक ही मीडियम वाटर, एक बार उसको हमने ऑप्टिकली डेंसर कहा तो दूसरी बार हमने ऑप्टिकली रेयरर कहा। क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले ही कह रखा है कि इंडिपेंडेंटली हम नहीं बता सकते हैं। पहले बार वाटर के साथ में ग्लास था तो वाटर को हमने रेयरर कह दिया, दूसरी बार वाटर के साथ में एयर था तो वाटर को हमने डेंसर कह दिया। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि किसी मीडियम को हम लोग अकेले डेंसर या रेयरर नहीं कह सकते हैं, हम लोग उसके साथ दूसरा कौन सा मीडियम है उसको भी देखना पड़ेगा, कंपेरिजन करके ही हम रेयरर या डेंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो बाबू ऑप्टिकल मीडियम में जब लाइट इंटर करता है तो कौन सी फेनोमेनन होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल ऑप्टिकल मीडियम में हमने कहा कि कुछ ऐसे मीडियम है जिसमें लाइट स्लो मूव करेगी, कुछ ऐसे मीडियम्स है जिसमें लाइट फास्ट मूव करेगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन सेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। चलिए बाबू, तो हमने अब स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कुछ ऐसे मीडियम है जिसमें लाइट स्लो चलेगी और कुछ ऐसे मीडियम है जिसमें लाइट फास्ट चलेगी। अब एग्जांपल के तौर पे चलिए वाटर और एयर का हम लोग पेयर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। लाइट पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी और उसके बाद वाटर में एंटर की। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एयर में फास्ट चल रही होगी और वाटर में जाएगी तो स्लो हो जाएगी, मतलब स्पीड चेंज हुआ। बेसिकली हमने कहा कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्पीड चेंज हुआ, और स्पीड जब चेंज करेगा तो लाइट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मिनिमम टाइम डेविएशन की प्रॉपर्टी। मतलब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सन लाइट को अर्थ तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट का टाइम लगता है, तो लाइट उस टाइम इंटरवल को मेंटेन रखती है। अब ये कैसे हो सकता है? जब स्पीड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जल्दी पहुंच जाएगा, स्पीड घटेगा तो लेट से पहुंचेगा। तो इस टाइम वेरिएशन को मेंटेन करने के लिए जब उसका स्पीड घटता है, जब लाइट का स्पीड घटता है तो वो क्या कर लेता है? अपना पाथ लेंथ भी बढ़ा लेता है, घटा लेता है। स्पीड घटा, पाथ लेंथ भी घटा लिया, और स्पीड बढ़ा तो पाथ लेंथ भी बढ़ा लेगा। मतलब ये हुआ कि स्पीड बदलने के कारण वो लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेता है, और पाथ चेंज होने की यह जो फेनोमेनन है, ये जो घटना है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बड़ा इजी डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। आप डेफिनेशंस को यहां पे वीडियो पॉज कर करके डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का स्पीड बदलने के कारण वो अपना पाथ भी बदल लेता है, अपना रास्ता भी बदल लेता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेज इट्स पाथ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, द फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा ही आसान डेफिनेशन है बाबू। अब यह रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है। लाइट अगर डेंसर से रेयरर में गया तब आइए बाबू जरा देखा जाए, ये हो गया हमारा एक इंटरफेस,
इस इंटरफेस के ऊपर डेंसर मीडियम हो गया और इंटरफेस के नीचे रेयर मीडियम हो गया। एक लाइट का रे आ रहा है बाबू, एक लाइट का रे आ रहा है, इसको बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। क्या हो रहा है अब हमें देखना है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है ये वाला लाइट। तो ये जो लाइट आ रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगा। डेंसर में स्लो चल रहा था, रेयरर में जब इसके बाद इंटर करेगा तो फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट हो जाएगा तो टाइम वेरिएशन से बचने के लिए यह क्या करेगा, अपने पाथ के लेंथ को भी बढ़ा लेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। क्या हुआ बाबू यहां पर, यहां पर लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आया है तो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आया तो क्या हुआ, इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर हट गया। आपको दिखाई दे रहा है बाबू ये क्या है, लाइट जब डेंसर टू रेयरर आ रहा है तब पाथ का चेंजिंग कैसे होगा, ये हमने आपको बताया। जस्ट इसका दूसरा, अगर ये वो इंटरफेस हो गया, इसके ऊपर इस बार रेयरर मीडियम और नीचे इस बार डेंसर मीडियम, ठीक है, जस्ट अपोजिटली हमने लिया है, और ये एक लाइट आ रही है बाबू जिसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इसको बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था लेकिन फिर वही बात, रेयरर में यह फास्ट चल रही थी, डेंसर में यह स्लो हो गई, स्लो होने के कारण यह अपना पाथ जो है वो चेंज करेगी, पाथ को छोटा कर लेगी, इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल, यह अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है बाबू। फिर वही बाकी सारी बातें सेम है कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सारी डेफिनेशन हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी देख चुके हैं, सिमिलर था, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, एक बार फिर से ना, ये हमने क्या वेरिएशन दिखाया आपको, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। यहां पे आ जाइए बाबू, हमने क्या बोला कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर में आया तो अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, और यहां देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन के बारे में, दो अलग अलग तरीके भी हैं रिफ्रैक्शन के। तो बाबू बेसिकली हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड बदल रहा है और उसका पाथ बदल जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी, हमने कहा चलिए दो तरह के मीडियम हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट का स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में स्लो होगा, रेयरर मीडियम में फास्ट होगा। स्पीड के कारण पाथ चेंजिंग हो रहा है, जो हमने अभी आपको अभी हम लोगों ने समझा इस सेक्शन में, क्या चेंजिंग हो रहा है, डेंसर मीडियम में पाथ छोटा हो रहा है, जब डेंसर में आ रहा है लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, मूव्स नॉट मूव्स बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, और जब रेयरर डेंसर से रेयरर में आएगा तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और देखना है बाबू केवल स्पीड और पाथ ही नहीं चेंज होता है,
लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बाबू, जैसे स्पीड घटता है तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाती है, और स्पीड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है। अगर लाइट के वेवलेंथ की बात करें हम लोग, तो वेवलेंथ जो है कोई चेंजिंग नहीं होता है, न डेंसर में जाने पर न रेयरर में जाने पर, वो अनचेंज रहता है। और एक टॉपिक बाबू आगे हम लोग देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, ये एक्चुअली लाइट का नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। तो जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का हाई रहेगा, और जब रेयरर मीडियम में जाता है तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। यहाँ बात बेसिकली बहुत बार एग्जांपल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फोकस करना है, तो ये बातें तो डेफिनेशन के दौरान भी आपने याद कर लिया, लेकिन इन बातों को आपको याद रखना होता है कि वेवलेंथ जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्पीड के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का हाई और रेयरर मीडियम का लो होता है। तो इसके इस तरीके से बाबू हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक कहा जाए कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिया है हम लोगों ने। अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक में किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट लिखना नहीं भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रिफ्रैक्शन के कारण हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग बहुत सारे फेनोमेनन्स के रूप में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं आपको एक दो एग्जांपल समझाने का। बहुत सारी घटनाएं हैं, हम डिस्कस करने चल रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव जो होते हैं, इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव, प्रभाव को हम समझने चल रहे हैं। जैसे एक प्रभाव हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि अ क्वाइन इन वाटर अपीयर्स टू बी हायर, ठीक है। पानी में अगर सिक्के को डाल के रखा जाए तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब केवल सिक्का ही क्यों, पानी में मछली है वो भी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। इस बात को हम एक डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। चलिए ये कोई कंटेनर हो गया, ये कोई कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में ये देखा जाए ये पानी भरा हुआ है। इसके बाद आ जाइए, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा बॉटम है, बॉटम के इस पॉइंट पर एक सिक्का रखा गया है जिसे हमने पॉइंट सी से डिनोट किया है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट पर, अब ये हमें बाहर से दिखाई कैसे देगा, हम तो है बाहर, और ये सिक्के से चलने वाला लाइट जब हमारे आंख में आता है तो ये सिक्का हमें दिखाई देगा। आइए इससे चलने वाला लाइट जब बाहर आएगा तो देखा जाए क्या होता है। ये देखा जाए बाबू, ये एक लाइट का रे चला सिक्के से, यहां तक तो पानी में चला है, लेकिन अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और ये अंदर है हमारा वाटर, और अब ये लाइट जो जा रहा है अब जा रहा है एयर में, तो लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जा पाएगा। लाइट वाटर मतलब डेंसर मीडियम, एयर मतलब रेयरर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में निकलेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, लाइट बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा, टुवार्ड्स
अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, तो दिस इज द रिफ्रेक्टेड लाइट, ये हमारा पाथ इधर नहीं जा पाएगा लाइट। चलिए अब एक और लाइट लेते हैं, इसको हमने जो इंसिडेंट कराया ये वाटर के सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करा दिया हमने। परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराने के पीछे एक और मेरा रीजन ये है कि आप ये समझ पाएंगे कि जब किसी भी इंटरफेस पे लाइट का इंसिडेंस नॉर्मली होता है तो इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये सीधे ही ऐसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, आपने ये रिफ्रैक्टेड लाइट को देखा, अगर इसको पीछे बढ़ाए हम लोग तो इस पॉइंट सी का इमेज ऊपर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हम जब इधर से देख रहे होंगे तो सी से आने वाला लाइट सी डैश से आता हुआ फील होगा, मतलब इस सी का इमेज हमें सी डैश पे दिखाई देगा, मतलब जो सिक्का यहां है वो आपको यहां दिखाई देगा। तो यही बात हम लोग बहुत आसानी से हम समझा देंगे कि मान लीजिए कि यह बर्तन हो गया, बर्तन के बॉटम पर एक क्वाइन रखा गया है सी, इससे चलने वाले रेज ऑफ लाइट जब वाटर से बाहर निकलते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के कारण इस सी का वर्चुअल इमेज थोड़ा सा ऊपर सी डैश पे बनता है और इसलिए क्वाइन सी सी डैश पर दिखाई देता है। ठीक है, अब एक और बात, बिल्कुल इसी घटने को हम लोग कह सकते हैं कि वाटर फिल्ड कंटेनर, वाटर फिल्ड कंटेनर appears to be less deep, हमें ऐसा लगता है कि पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है वो कम गहराई का है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल यही रे डायग्राम, जो फेनोमेना इस एक पॉइंट के साथ हुआ है उस सारे पॉइंट्स के साथ होगा, बॉटम के सारे पॉइंट्स के साथ होगा, मतलब बॉटम हमें दिखाई देगा यहां पे, दिस इज द रियल बॉटम एक्स वाई और हमें अपीयर होगा एक्स डैश वाई डैश। तो आप देख पा रहे होंगे दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ, लेकिन हमें दिखाई देगा ये यहीं तक एक्स डैश वाई डैश तक, दिस इज द वर्चुअल डेप्थ। तो इस तरीके से सेम डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे और भी फेनोमेनल्स हैं जिसको आप डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं, रे कैसे चल रहा है इसकी सहायता से समझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यह कहा जा सकता है कि पानी में अगर एक पेंसिल को, एक रॉड को पार्शियली डुबा दिया जाए तो जितना पोर्शन डूबा हुआ रहेगा वहां से यह बेंड ऐसे फील होगा, मतलब ये पेंसिल है ऐसे लेकिन अगर यहां से पानी में डूबी हुई है तो यहां के बाद यह ऐसे बेंड फील होगी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आकाश में तारे अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारे फेनोमेनल्स हैं। सारे फेनोमेनल्स को एक ही सिमिलर तरीके से आप डायग्राम बनाते हुए और केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइट कहां रेयरर टू डेंसर जा रहा है, कहां डेंसर टू रेयर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन दिखा देंगे और रिफ्लेक्शन के बाद उसका इमेज फॉर्मेशन, जहां पर इमेज बनेगा वहीं पर वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन के ही कारण ऑब्जेक्ट्स का ओरिजिनल पोजीशन हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज हम लोगों ने देखा, रिफ्रैक्शन को समझा, बेसिकली रिफ्रैक्शन के कारण होने वाले इफेक्ट्स में एक इफेक्ट की मैंने चर्चा की, ऐसे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स, जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन जो है कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करता है, वैसे रिफ्रैक्शन भी सर्टन रूल्स को फॉलो करेगा। रिफ्रैक्शन कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगा ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे रिफ्रैक्शन के रूल्स और इस रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ इसमें क्या रिलेशन है, और साथ में ये जो नई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको मिले थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।